नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वेद अभय और इससे पहले आप यही आवाज़ मेरे मेन चैनल फिल्मी वाणी पर सुन चुके होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ की, जानेंगे कि आखिर उनकी क्या गलतियां हैं कि इतने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बाद भी उनका मार्केट धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। ये एक तरह से मेरी तरफ से उनके लिए एक ओपन लेटर है। प्यारे टाइगर श्रॉफ, जब साल 2014 में आपने हीरोपंती फिल्म से अपने डेब्यू किया था, यकीन मानिए पूरी ट्रेड हिल गई थी। ऑडियंस ने भी आपको खुले हाथों से वेलकम किया था। ये 14 सालों के बाद था जब किसी नेपो किड को इस तरह की शुरुआत मिली थी और कहीं ना कहीं आपने अपने आइडल की लेगेसी को फॉलो करके दिखाया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपकी जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो आपकी यंग एज की एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। देन कट टू द 2014 की फिल्म हीरोपंती। डेफिनेटली आपने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया था, जो पर्दे पर भी दिख भी रहा था, एंड स्पेशली डांस और एक्शन सीन्स में आप काफ़ी शाइन कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपकी इस फिल्म को 11th स्टैंडर्ड में कानपुर के गुरुदेव टाकिस में देखा था। फिर 2 सालों के बाद आप बागी फिल्म लेकर आए। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज़ हुई और आपने अपनी दूसरी फिल्म से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इस फिल्म ने टोटल 130 करोड़ की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साथ ही साथ आने वाले समय में ये एक पॉपुलर सीरीज भी बन गई। ये किसी न्यूकमर एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर भी आपकी डांसिंग स्किल, एक्शन सीक्वेंसेस और स्टंट को खुद परफॉर्म करने की कला को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हालांकि कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग एबिलिटीज़ और डायलॉग डिलीवरी को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके थे। इसके बाद आपकी मुन्ना माइकल और फ्लाइंग जेट जैसी फिल्में रिलीज़ हुई, जिस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक दो गलतियाँ तो इंसान से हो सकती हैं। साल 2018 में आप अपनी सुपरहिट फिल्म बागी का सीक्वल बागी 2 लेकर आए। इस फिल्म ने अपनी ओपनिंग से ही बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को धूल चटा दिया था। अपेरेंटली ये फिल्म 250 करोड़ के पार जाके रुकी और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सुपर डुपर हिट फिल्म की वर्डिक मिली। टाइगर श्रॉफ को मासेस का हीरो माना गया और इनकी यूथ में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो चुकी थी। इवन ट्रेड भी टाइगर श्रॉफ को एक बैंकेबल हीरो के तौर पर ट्रीट कर रहा था। देन आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 साइन करी, जिसे मैं समझता हूँ कि ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। ना तो ये फिल्म सही से मासेस को टारगेट कर रही थी और ना ही क्लासेस को। आखिर सतरंगी कपड़े पहने बच्चों से कौन ही रिलेट कर पाता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शली फ्लॉप रही और यहाँ पहली बार आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि विद द ग्रेस ऑफ गॉड वॉर की सक्सेस ने अगेन सब कुछ संभाल लिया। ऋतिक वर्सेस टाइगर इस फिल्म का हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ की कमाई करी और फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्टेटस मिला। मगर अब तक आपको समझ जाना चाहिए था कि लंबी रेस के लिए आपको अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर खुद को एज एन एक्टर साबित करना होगा। आई नो डांस, स्टंट और एक्शन आपकी USP है, मगर इसे सही जगह पर यूज करना बेहतर डिसीजन होता। ये सारी चीज़ें आप जितना कम करते आपके लिए हाइप उतना ही बढ़ता। एग्जैक्टली ऋतिक रोशन अपने केस में जिस तरह से करते हैं, लेकिन सेम उन्हीं चीज़ों का रिपीटेशन ऑडियंस को अखड़ने लगा और हर आई गई उंगलियां आपकी एक्टिंग पर उठने लगी। आपकी फिल्म बागी 3 ने प्रीवियस दोनों फिल्मों से अंडर परफॉर्म किया, जो कि ऑडियंस की तरफ से क्लियर इंडिकेशन था कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली जैसा कि कार्तिक आर्यन ने फ्रेडी, वरुण धवन ने भेड़िया और बदलापुर जैसी फिल्मों में किया और विकी कौशल तो एक अलग लीग का एक्टर है ही। मगर आपने हीरोपंती 2 और गणपत जैसी फिल्में साइन करी। हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिसने आपकी पहली फिल्म की सक्सेस को भी बदनाम किया और इवन गणपत को तो झेलना ही मुश्किल था। वहीं बात करें बड़े मियां छोटे मियां की, तो इस फिल्म को देखा तो जा सकता था, मगर अक्षय कुमार वर्सेस टाइगर श्रॉफ पर्दे पर उस तरह से निखर कर नहीं आया जैसी उम्मीद की गई थी। इस फिल्म में आपका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और यही वजह है कि मेकर्स भी अब आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बचने लगे हैं। यही वजह है कि आपका बिग बजट प्रोजेक्ट रैम्बो लगातार आगे के लिए पुश हो रहा है। आई होप कि अब आगे वाली फिल्मों में आप कुछ ऐसी फिल्में साइन करें जहां पर आपको अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़ को प्रूव करने का मौका मिले। हो सकता है आप इस डिपार्टमेंट में थोड़ा कच्चे हों, लेकिन डेफिनेटली आप एक डिजर्विंग एक्टर हो। रिसेंटली मैंने आपको एक पान मसाला के एड में देखा। बड़े
मियाँ को रिप्लेस करते हुए छोटे मियाँ को जगह दी गई है, सबसे पहले तो बड़े मियाँ की दाद देनी होगी जिन्होंने पब्लिक के कहने पर करोड़ों रुपयों को ठुकरा दिया। टाइगर श्रॉफ, आप भी उसी दर्जे के एक्टर हो और बीइंग अ यूथ आइकन आपको इस तरह के एड से बचना चाहिए। खैर, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको फिल्म सिलेक्शन में तो बारीकी से ध्यान देना होगा।